नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सीएम योगी सख्त हो गए हैं, जिसके तहत उन्होंने जल्द जनसंख्या कानून को अमली जामा पहनाने की कावयात शुरू कर दी है और एक ऐसा बयान दिया है जिसने विरोधियों के होश उड़ा दिए हैं। अखिलेश यादव से लेकर शफीकुर रहमान बर्क तक जनसंख्या कानून को लेकर बौखलाने लगे हैं और सीएम योगी पर पलटवार कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी की जनसंख्या को काबू करने के लिए सीएम योगी जल्द कानून को जमीनी स्तर पर उतारने की कोशिश में लगे हैं। ड्राफ्ट तैयार है, सर्वे हो चुका है, बस काम बचा है तो कानून को लागू करना। इसी के तहत सीएम योगी ने जनसंख्या कानून पर एक बड़ा बयान दिया, जिससे विरोधियों में हड़कंप मच गया। सीएम योगी ने विश्व जनसंख्या दिवस पर लखनऊ में एक कार्यक्रम में यूपी की बढ़ती आबादी पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जनसंख्यकीय असंतुलन पैदा ना हो जाए। इसके साथ ही सीएम योगी ने आगे जो कहा, उससे तो मानो विपक्ष के तोते उड़ गए। सीएम योगी ने कहा कि ऐसा ना हो किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड और उसका प्रतिशत ज्यादा हो और जो मूल निवासी हैं, जागरूकता अभियान चलाकर उनकी जनसंख्या नियंत्रण कर असंतुलन पैदा न किया जाए। सीएम योगी के सटीक बयान से विपक्ष को मानो मिर्ची लग गई और अखिलेश से लेकर ओवैसी और शफीकुर रहमान ने छाती पीटना शुरू कर दिया। सबसे पहले अखिलेश यादव मैदान में कूदे और सीएम योगी पर पलटवार करते हुए कहा कि अराजकता आबादी से नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों की बर्बादी से उपजती है। अब इन लोगों को यूपी के भले के लिए भी आ रहे बिल से परेशानी हो रही है, क्योंकि इन लोगों को बस योगी सरकार को घेर कर मुसलमानों के ठेकेदारों को खुश करना आता है। इसी कड़ी में जनसंख्या कानून पर अपनी सियासी रोटियां सेकते हुए शफीकुर रहमान ने तो जनसंख्या को अल्लाह से तक जोड़ दिया। शफीकुर रहमान ने बेतुका का बयान देते हुए कहा कि औलाद पैदा करने का जाति तौर पर इंसान से कोई ताल्लुक नहीं है, बच्चे पैदा करने का ताल्लुक अल्लाह से है। अल्लाह जब बच्चा पैदा करता है तो उसके खाने पीने का इंतजाम करके दुनिया में भेजता है। शफीकुर रहमान की इस तरह की बयानबाजी पर अब लोग हंस रहे हैं, क्योंकि ये बिना लॉजिक के बयान देकर योगी सरकार के इस कानून को किसी न किसी तरह गलत ठहराने की फिराक में लग गए हैं। लेकिन लोगों को भी इनकी डर्टी पॉलिटिक्स समझ आ गई है। जिस दिन से यूपी में जनसंख्या कानून का ड्राफ्ट तैयार किया गया है, उसी दिन से विपक्ष बेचैन है और लोगों को गुमराह करने के लिए नई नई हरकतें कर रहा है। अब जैसे ही सीएम योगी ने जनसंख्या कानून को लेकर ये कहा कि एक वर्ग की आबादी बढ़ने से अराजकता बढ़ेगी, अखिलेश से लेकर सपा सांसद शफीकुर रहमान तक बौखला उठे। इन लोगों ने सियासत तेज कर दी। शफीकुर रहमान तो इस जनसंख्या को अल्लाह की देन बताते नजर आए। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि अराजकता आबादी से नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों की बर्बादी से उपजती है। ऐसे में बीजेपी ने भी साफ कर दिया कि ये कानून लागू होकर रहेगा, चाहे कितनी भी अड़चने क्यों ना आए। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।